तो हम सभी देखते कि गोकू और ब्रोली आपस में एक साथ ट्रेनिंग करना चालू कर देते हैं और धीरे धीरे करके कुछ समय बीत जाता है और गोकू और ब्रोली इस समय थोड़ी बहुत शक्तिशाली होने लगते हैं। और तभी वहां पर क्योगा आके कहता है, गोकू तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल को देख के मुझे लगता है कि तुम्हारे पास काफ़ी फाइटिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन ब्रोली मुझे नहीं लगता कि तुमने आज से पहले ज़्यादा लड़ाइयाँ करी है। जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, हाँ क्योगा मैंने आज से पहले ज़्यादा लड़ाइयाँ बिल्कुल भी नहीं की है, लेकिन मैं धीरे धीरे करके सब सीख रहा हूँ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ जहाँ तक मुझे ब्रोली के बारे में पता है तो अगर ब्रोली ने सबसे पहले किसी के साथ लड़ाई करी थी तो वो भी अकुमो का एक लेजेंडरी सैयन ही था। जिसके ऊपर क्योगा कहता है, क्या क्या बात है ब्रोली, मुझे नहीं लगा था कि कोई शख्स सबसे पहले अगर किसी लेजेंडरी सैयन से लड़ता है तो वो जिंदा भी बच पाता, लेकिन तुम भी एक लेजेंडरी सैयन हो तो ये तो होना ही था। तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि आज तक जितने भी लेजेंडरी सैयन हुए हैं ब्रोली, वो सभी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो तुम्हें अपने अंदर देखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ छुपी होगी, क्योंकि तुम भी एक लेजेंडरी सैयन हो ब्रोली। तो तुम्हें बहुत ही जल्दी उन शक्तियों को बाहर निकालना पड़ेगा। जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, क्या तुम्हारा क्या मतलब है क्योगा, बाहर निकालना पड़ेगा? लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश तो कर ही रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इससे भी ज़्यादा शक्तियाँ हो सकती है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं ब्रोली तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम भी तो एक लेजेंडरी सैयन ही हो, और हो ना हो मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ होगी। जिसके ऊपर क्योगा कहता है, ब्रोली तुम जितनी जल्दी अपनी इन शक्तियों को काबू करके अपनी वाकई की शक्तियाँ बाहर निकालोगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकते कि आने वाले समय में एक कितनी बड़ी वॉर होने वाली है अकुमो के लेजेंडरी सैयन से। हमको आगे चलकर जब भिड़ना पड़ेगा तो हमारे पास इतनी शक्ति तो होनी चाहिए कि हम उनका सामना कर सके, क्योंकि अकुमो के लेजेंडरी सैयन पहले ही हमें संख्या से ज़्यादा हैं और हम बस कुछ ही लोग हैं। जिसके बाद हम सभी देखते कि वहाँ पर गोरोशी भी आ जाता है और गोकू गोरोशी को देख के कहता है, हे गोरोशी क्या वेजिटा डीप सर्वाइवल के अंदर जा चुका है? जिसके ऊपर गोरोशी कहता है, हाँ गोकू मैं वेजिटा को डीप सर्वाइवल तक छोड़ आया हूँ, अब देखने वाली बात यह है कि वेजिटा क्या उस डीप सर्वाइवल के अंदर अपने आप को पूरा कर पाएगा और क्या वो उस डीप सर्वाइवल के अंदर सर्वाइव भी कर पाएगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे पूरी तरीके से यकीन है गोरोशी कि वेजिटा उस डीप सर्वाइवल के अंदर से बाहर निकलकर जरूर आएगा, और जब वो डीप सर्वाइवल से बाहर आएगा वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका होगा। जिसके ऊपर गोरोशी कहता है, हाँ गोकू मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्योगा क्या तुमने वेजिटा के बारे में सब कुछ बता दिया है गोकू को? जिसके ऊपर क्योगा कहता है, हाँ गोरोशी मैंने वेजिटा के बारे में सब कुछ गोकू और ब्रोली दोनों को ही पहले ही बता दिया है कि वेजिटा भी तुम्हारी ब्लड लाइन से कनेक्टेड है। जिसके ऊपर गोरोशी कहता है, हाँ गोकू तो तुम लोगों को वेजिटा की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वेजिटा के अंदर जो शक्तियाँ हैं उसे भी इस समय में नहीं पता। तो मुझे यकीन है कि वेजिटा जब डीप सर्वाइवल के अंदर से बाहर आएगा तो उसके पास उसकी सारी शक्तियाँ होंगी। और ये सुनने के बाद गोकू कहता है, ओह तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तो चलो ब्रोली हमें भी वेजिटा को टक्कर देने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावर करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें ट्रेनिंग करना चालू करना चाहिए। और ये बोलते गोकू और ब्रोली वापस से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं और गोरोशी क्योगा से कहता है, हे क्योगा तुम्हें क्या लगता है क्या वो सच में डीप सर्वाइवल को सर्वाइव करके वहाँ से बाहर आ पाएगा? जिसके ऊपर क्योगा कहता है, सच बताऊँ गोरोशी तो मुझे तो लगता है कि वेजिटा जरूर बाहर आ पाएगा, क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ नहीं थी, उसके बावजूद भी उसने अकुमो के लेजेंडरी सैयन से फाइट करी है। जिसके बाद हम सभी को यामोशी का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते कि यामोशी एक अनजान जगह पे खड़ा होता है और यामोशी मन ही मन में कहता है, क्या ये वही जगह है जहाँ पर मुझे आना था? चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे वो सारे काम पहले पूरे करने पड़ेंगे, और मुझे यकीन है कि अभी तक तो क्योगा और गोरोशी ने जो कुछ भी मैंने कहा था वो करना शुरू कर दिया होगा। उन दोनों सैयंस की ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है वो उन दोनों सैयंस को बिल्कुल भी नहीं पता। जिसके बाद
हम सभी को गोकू और ब्रोली का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों ट्रेनिंग करके काफी ज्यादा थक चुके होते हैं, इसीलिए गोकू थोड़ा आराम करने लगता है और गोकू क्योगा से पूछता है, हे क्योगा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। जिसके ऊपर क्योगा कहता है, क्या बात है गोकू, तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहते हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुमने बताया था कि कोड़ा तुम्हारा भाई है और तुमने मुझे ये भी बताया था क्योगा कि कोड़ा ने उस अकुमो के कहने पे तुम्हें जान से मारने की भी कोशिश करी थी, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। जब कोड़ा ने तुम्हें अपने सामने देखा था, जब मेरी और कोड़ा की लड़ाई हो रही थी, तब कोड़ा ने आखिरकार तुमसे कुछ क्यों नहीं कहा, और आखिर कोड़ा ने जब तुम्हारे ऊपर हमला क्यों नहीं किया। जिसके ऊपर क्योगा कहता है, सच बताऊं गोकू तो मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि बड़े भाई कोड़ा भी इसके बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे, और गोरोशी ने भी मुझसे यही सवाल पूछा था, लेकिन इसका जवाब तो सिर्फ और सिर्फ कोड़ा के पास ही है। जिसके बाद हम सभी को कोड़ा का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहता है, आखिर मुझसे ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी गलती, मुझे मौका मिला था उस किंग ऑफ एवरीथिंग को ख़त्म करने का, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाया। लॉर्ड अकुमो ने मुझ पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया था, आखिर इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अगर वो किंग ऑफ एवरीथिंग मेरे इस बार सामने आया तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा, और इस बार भले ही मेरा खुद का भाई क्योगा भी बीच में क्यों नहीं आ जाता, फिर भी उस किंग ऑफ एवरीथिंग को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम सभी को आहारो और राइगोन का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते कि ज़ेनको भी वहीं पर होता है, और राइगोन ज़ेनको से पूछता है, हे ज़ेनको, क्या तुम्हें मालूम है कि आखिरकार हमारे बाकी के साथी लेजेंडरी साइंस कहाँ पर है। जिसके ऊपर ज़ेनको कहता है, नहीं, मुझे नहीं मालूम कि हमारे बाकी के लेजेंडरी साइंस कहाँ पर है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि लॉर्ड अकुमो ने उन सभी को कुछ काम बता रखा है, इसीलिए वो शायद लेजेंडरी सैयन लॉर्ड अकुमो के ही बचे हुए सारे काम कर रहे हैं। जिसके ऊपर आहारो भी कहता है, न जाने कब तक मुझे यहीं पर पड़ा रहना पड़ेगा। राइगोन, क्या मेरी हालत पहले से थोड़ी बहुत भी सुधरती हुई नजर आ रही है। जिसके ऊपर राइगोन कहता है, हाँ आहारो, तुम्हारी हालत पहले से थोड़ी बहुत सही हो चुकी है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही और कोड़ा ने अगर उस किंग ऑफ एवरीथिंग को खत्म नहीं किया तो तुम्हारा सामना वापस उस किंग ऑफ एवरीथिंग से हो सकता है, और इस हालत में तो तुम उसे हरा ही सकते हो आहारो। जिसके ऊपर आहारो कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, अगर उस कोड़ा ने उसे जिंदा छोड़ दिया तो उस किंग ऑफ एवरीथिंग को फिर मैं ही खत्म करूंगा, और मुझे भी मेरी हालत में थोड़ा बहुत सुधार आते हुए लग रहा है। मुझे मालूम है कि लॉर्ड अकुमो भी इस सुधार को देख के काफी ज्यादा खुश होंगे। जिसके बाद हम सभी को अकुमो का ही सीन दिखाया जाता है, और अकुमो कहता है, क्या आखिरकार क्या ऐसा हो सकता है, क्या वो यामोशी मेरे काफी ज्यादा नजदीक है, मुझे एक काफी बड़ी डिवाइन पावर मेरे आसपास से महसूस हो रही है, अगर तुम मेरे नजदीक हो यामोशी तो मुझे तुमसे मिलने तो आना ही पड़ेगा। सो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। देखो, आप सभी के लिए मैं बहुत ही जल्दी एक और न्यू स्टोरी लेकर आने वाला हूं, जिसके लिए मुझे आप सभी को सपोर्ट चाहिए होगा। तो इसीलिए अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ही जल्दी आप सभी के लिए मैं एक और न्यू स्टोरी लेकर आने वाला हूं। और साथ ही मैं आप में से काफ़ी सारे लोग कह रहे हो कि इस मांगा का एक लॉन्ग पार्ट भी लेकर आओ, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इसका एक लॉन्ग पार्ट भी आप सभी के लिए लेकर आओ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो इसीलिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत आप सभी के लिए कर रहा हूँ।